विश्व कप अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को हराया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, मौजूदा विजेता ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ और शॉन मार्श के दम पर बुधवार को विश्व कप के पहले अभ्यास मैच में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरॉन फिंच ने टॉस जीत वेस्टइंडीज को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। वेस्टइंडीज की टीम ने 46.2 ओवर में सिर्फ 239 रनों पर ही ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने यहां लक्ष्य 38.2 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। स्मिथ ने 82 गेंदों की पारी खेली। मार्श के साथ ग्लेन मैक्सवेल ने 18 रनों की नाबाद लौटे। कप्तान फिंच ने 47 गेंदों में 42 एवं डेविड वार्नर ने 7 गेंदों में 5 रन बनाए। फिंच के साथ पारी की शुरुआत करने आए उस्मान ख्वाजा ने 5 रनों के निजी स्कोर पर रिटायर्ड हट हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने पहला विकेट वार्नर के रूप में 47 के कुल स्कोर पर खोया। यहां से स्मिथ और फिंच ने टीम को 100 के स्कोर पर पहुंचाया। इसी स्कोर पर फिंच वेस्टइंडीज के टीम के कप्तान जेसन होल्डर की गेंद पर बोल्ड हो गए। स्मिथ का विकेट 209 के कुल स्कोर पर गिरा। इससे पहले वेस्टइंडीज के बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार, पैट कमिंस, नाथन कुल्टर नाइल और मैक्सवेल ने 2-2 विकेट लिए। जेसन वैंड्रफ और एडम जंपा को 1-1 विकेट मिला। वेस्टइंडीज के लिए कार्लोस ब्रैथवेट ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 64 गेंदों का सामना किया और 5 चौके तथा 3 छक्के मारे। इवन लुइस ने 56 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली। उनकी इस पारी में 6 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। इन दोनों के अलावा सुनील एम्ब्रोस, शाइन होप और फैबियन एलन के दहाई के आंकड़े तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।